शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। जय हो गाने के लिए इनको 2009 में ऑस्कर भी दिया गया। तो सर, यू आर बिजी टू गेटिंग योर अवार्ड्स फ्रॉम डिफरेंट फंक्शन। आई मीन यू नीड 25 टू 28 डेज टू रिसीव योर अवार्ड्स। सो व्हेन यू मेक योर म्यूजिक? आवर नॉर्मल कॉमन मैन्स डे वी ओनली हैव 24 आवर्स। So how many hours you have in your day? I do less movies, so I got a lot of time to do music. So we heard that you work in night only. Yes, like now. But actually, हमारा ये मानना था कि आज काम नहीं करवाना, बहुत काम करते हैं, आज इनको relax feel करवाना है. Do you think you are working, sir? In a way. So sir, जब आपने Oscar ग्रहण किया, जब ऑस्कर एक फीट की दूरी पे था आपसे, जब यू वर अबाउट टू विन ऑस्कर, हैड यू एवर थॉट यू विल गेट ए चांस टू कम ऑन माय शो? नो, आई एम सो लकी। बिकॉज़ आई थिंक इन दिस वेरी वेरी क्रूअल वर्ल्ड यू मेक पीपल लाफ एंड फॉरगेट ऑल देयर वरीज। So you're doing a great job. Thank you, sir. अरे सर, आपने कभी सोचा हो ना हो, हमने सोच लिया था कि अगर कभी भगवान ने मौका दिया तो हम रहमान सर को अपने शो में जरूर बुलाएंगे, और देखिए आज भगवान ने हमारी सुन भी ली है, हम बहुत शुक्रगुजार हैं। अरे सर, देर आर सो मेनी र्यूमर्स आउटसाइड कि आपने अपने अवार्ड्स रखने के लिए एक अलग से घर खरीदा हुआ है, इज इट ट्रू? बिकॉज यू डोंट हैव इनफ स्पेस टू कीप योर अवार्ड्स। It's not true, sir. No. Okay. Must be rumors. रहमान सर का पैशन है म्यूजिक, और ये उसके साथ साथ स्पोर्ट्स के साथ भी जुड़े हुए हैं। हाल ही में बाजी एक द लेजेंड फुटबॉल प्लेयर जो हैं पेले, उनके ऊपर एक फिल्म बनी, और उसके इंडिया प्रीमियर के लिए रहमान साहब की तरफ से इन्विटेशन आए सबको। सो सर, आप डू यू लाइक फुटबॉल? या। हैव यू एवर प्लेड इन योर स्कूल टाइम और कॉलेज टाइम? नो। सर, ये इतना टैलेंट आपके पास कहां से आता है कि एक बंदा 8-10 लाइनों में आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है और आप सिर्फ एक वर्ड में आंसर देते हैं? यस, नो। बेटर टू से यस और नो रादर देन गेटिंग कॉट लाइक समवन। ये निशानी है गुरु लोगों की। अच्छा, आपको पता है भाजी, रियो ओलंपिक्स के ब्रांड एम्बेसडर तो हैं ही ये, तो इसमें उन्होंने विराट कोहली से रैप गवाया, एम आई राइट सर? So, आपने विराट कोहली से रैप क्यों गवाया? आपको क्या लगता है कि क्रिकेट अच्छा नहीं खेलते वो? So, विराट कोहली इज द एम्बेसडर फॉर फुटसॉल। ओके। इंडिया। सो आई फाउंड इट अ वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया टू व्हेन दे सजेस्टेड दैट व्हाई डोंट वी मेक विराट कोहली सेइंग एंड ही इज अ वेरी टैलेंटेड गाय। नो, नो डाउट। फुल ऑफ एनर्जी, वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड एंड ही सिंग्स इन ट्यून एंड टेम्पो। सो क्या बात है यार, कितने टैलेंट है हमारे भारत में, बट बड़ी बात है, रहमान सर के दुनिया भर में करोड़ों फैंस हैं, और वो भी ऐसी ऐसी हस्तियां फैंस हैं जिनके आगे करोड़ों फैंस हैं, जैसे रजनीकांत साहब, जैसे सचिन तेंदुलकर साहब, जैसे लता जी, यहाँ तक कि यूएस के प्रेसिडेंट जो हैं मिस्टर बराक ओबामा, वो भी इनके फ़ैन हैं। तो ये वाइट हाउस में भी परफॉर्म कर चुके हैं, बट जब आप वाइट हाउस में परफॉर्म कर रहे थे, दैट टाइम हैड यू थॉट दैट यू विल गेट ए चांस टू कम ऑन माय शो? रहमान सर बहुत शाही नेचर के वैसे, लेकिन इनके जो गाने होते हैं, अगर आप रोमांटिक गाने सुने तो ऐसा लगेगा कोई बहुत ही बड़ा कोई रांझे ने म्यूजिक बनाया, ये उसके दिल से फीलिंग निकली है। ऑब्वियसली रोमांस तो इनके अंदर होगा ही जो इनके गानों के रूप में बाहर निकलता है। रहमान सर, आप अंदर से रोमांटिक हैं वैसे थोड़े बहुत? आई जस्ट वांट टू नो। वेरी रोमांटिक। वेरी रोमांटिक। सो योर रोमांस कम आउट विद योर म्यूजिक? यस। हमारे शो में अक्सर ऐसा होता है कि जो काम कभी किसी स्टार ने नहीं किया है वो हम जरूर देखना चाहते हैं, तो आज हम आपको रोमांस करते हुए देखना चाहते हैं। Is there any girl who wants to romance with A.R. Rahman? मैं यहाँ हूँ। ईद मुबारक तो कह दिया आपने,
लेकिन भूल गए ईद मिलते कैसे है। आइए ईद मिलिए। नो टचिंग, नो टचिंग, नो टचिंग। मौसिकी के शहंशाह को बेहम लच्ची का प्यार भरा आदाब। आदाब, आदाब। आपके लिए एक शेर अर्ज है। तुम पर मैंने अपना तन मन मारा। वाह, तुम पर मैंने अपना तन मन मारा, तुमसे कोई ना अच्छा ना कोई प्यारा। साउथ से हो तो एक बात तो बताना, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। कटप्पा ने पक्का ऐसा शेर सुन के मारा होगा बाहुबली को। आपको कितनी बार मना किया, आप घड़े जैसा मुंह लेके बार बार आ जाती हैं। हम इनके बहुत बड़े कदरदान हैं, इसीलिए हम इनसे गुफ्तगू करने के लिए आए। आपका वो वाला गाना है ना, रांझा रांझा करती वी में, जब भी मैं वो गाना सुनती हूँ ऐसे लगता है आपने ये गाना मेरे लिए ही बनाया है। आपके लिए एक और गाना बनाया इन्होंने, मसकली मसकली चल हटक पटक चल हट। आप खामोश रहेंगे थोड़े देर, हम इनसे कुछ बात करना चाहते हैं। रहमान साहब ये देखिए, अपने खजाने से ये नायाब इंस्ट्रूमेंट मैं आपके लिए लाई हूँ, जिसे मैंने इस्तेमाल तक नहीं किया। ये सब मैं आपको कम दाम में दे सकती हूँ। चले गए, मैं इधर आ रहे, बच गई। मैं ये कह रही थी जी, आपने ये सब तो कहीं ना कहीं देखा होगा, लेकिन मेरा दावा है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है मेरे पास जो आपने कभी नहीं देखा होगा। कौन सा इंस्ट्रूमेंट? मैं अभी बताती हूँ, काहे फुंट रू निकला। I think I should invite to my studio. I can sample it and do something. हाँ, स्टूडियो में जाके बताना ये आपका कौन सा, ये कौन बजाता है ऐसे? किसी बुड्ढे का हुक्का ऊपर पीपनी लगा के आ गई है। ये तो कुछ भी नहीं है रहमान साहब, मेरे पास तानसेन का गिटार भी है। ये देखिए, तानसेन का गिटार। ये गिटार है? हाँ। आप जानती भी हैं तानसेन कौन थे? मैं तो उसके खानदान को जानती हूँ। कैसे? रीमा सेन, रायमा सेन, मुनमुन सेन। ये देखिए, एक एंटिक पीस तो भूल ही गई थी मैं, ये एंटिक बेल है। टिंग टांग। जी हाँ, जब अंग्रेज हिंदुस्तान पहली बार आए थे ना, यही घंटी बजाकर वो हिंदुस्तान में घुसे थे। दरवाजा इन्होंने खोला था ना, इसलिए इनको ज्यादा पता है। आप एक ऑस्कर विनिंग म्यूजिक डायरेक्टर से ऐसी बातें कर रही हैं आप? मैं तो बात करने का बहाना ढूंढ रही थी, दरअसल मेरा मकसद कुछ और ही था। क्या? इनके शर्मिलेपन को थोड़ा कम करना। I will take care of you. Oh God. आपके लिए एक शेर हर्ज है, गौर फरमाइए। इश्क बिना कोई काम नहीं, इश्क बिना कोई काम नहीं, आंखों में पानी है छल का जाम नहीं। एक बार मेरी बाहों में आकर तो देखिए सिद्धू जी, ये माँ का लाडला बिगड़ ना जाए तो लुच्ची मेरा नाम नहीं। बेगम साहिबा, अपनी लेडी लेके जाइए। रहमान साहब, शी इज वेरी स्वीट अदरवाइज। आदर, आपको रिक्वेस्ट करने की जरूरत है, नहीं तो ज्यादा नहीं तो आप खाली एक डंडा मार दें तो वैसे भी चली जाती है। मेरी तरफ से कुछ तो रखिए। ये क्या है? प्रॉप।
So please, हमारे musician साथी जो है, क्या बात है?